दोस्तों, बॉन्ज़ाई बनाना एक आर्ट, एक कला है, ये तो आप सभी को मालूम है। बट इसका बेसिक रूल ये है कि आप किसी भी प्लांट को लंबे समय तक एक सिंगल पॉट में ग्रो होने दें, तभी वो एक बॉन्ज़ाई बनने के लिए रेडी होता है। क्योंकि तभी उसके पास इस तरह की रूट डेवलपमेंट होता है, और रूट डेवलपमेंट तभी होगा जब पॉट सेलेक्शन बहुत ही परफेक्ट होगा। पॉट सेलेक्शन के साथ साथ दोस्तों, प्लांट के जो ट्रंक लेवल होता है उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और ट्रंक लेवल के साथ साथ इसका जो कैनोपी डेवलप होता है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा सा हमें ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस प्लांट को प्रिपेयर करेंगे। आज दोस्तों हमारा वर्क रहेगा इस छोटे से पॉट के ऊपर, इस प्लांट के ऊपर। आप देखें कि इसका ट्रंक काफ़ी मैच्योरिटी लेवल पर आ चुका है, इसके अंदर अच्छे से रूट डेवलपमेंट भी हुआ है। आप देखें इसके अंदर रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप हुई है, और ये दोस्तों पूरा प्रोसेस करीब एक साल से चल रहा था मेरे पास, तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करा जाए। आज हम बनाएंगे इसको रूट और रॉक स्टाइल में, हम चूज़ करेंगे एक कोई भी रॉक स्टाइल। और तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम होगा हमारा इस पॉट में से हमारे प्लांट का रूट बॉल निकालना। तो चलिए फटाफट से रूट बॉल निकालते हैं, कोशिश करते हैं इसकी रूट सही सलामत निकल जाए। दोस्तों अब हमारा सेकेंडरी काम ये है कि अब हमें रूट्स को वॉश करना है और चेक करना है एक्चुअल इसकी रूट्स ने कितना डेवलपमेंट लिया है। सॉइल हमें सारी रिमूव करनी होगी, उसके लिए हमें दोस्तों एक बाउल लेना है सिंपल सा, और सारी की सारी रूट्स को अच्छे से डिसॉल्व करना है। दोस्तों दो से तीन बार हमने इसको धो दिया है, और आप देखें कितने अच्छे से हमारी रूट्स क्लियर हो गई। अब रूट ओवर रॉक स्टाइल में ये ध्यान रखना है हमें एक भी रूट कट नहीं करनी है, क्योंकि रूट्स का ही तो असली खेल है। तो आप देखें काफ़ी अच्छे से रूट सिस्टम डेवलप हुआ है। अब दोस्तों हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी पॉट सेलेक्शन, और पॉट सेलेक्शन आप देखें हमारे पास दो पॉट रहे हैं, एक तो स्क्वायर शेप में है, एक ओवल शेप में है। अब हम एक एक करके दोनों के ऊपर प्लांट रख के देखते हैं, और जिसमें बेस्ट लगेगा हमारा प्लांट हम वो सेलेक्ट करेंगे। दोनों ही पॉट अच्छे लग रहे हैं, बट हम छोटा वाला प्रेफर करेंगे क्योंकि इसमें ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छा आएगा। तो चलिए इस सबसे पहले बेस प्रिपेयर कर लेते हैं। पॉट का किस तरह से करना है वो आप देखें। सबसे पहले हमें ये जो ड्रेनेज होल है इनके इन्हें कवर करना होगा। उसके लिए दोस्तों मैं न्यूज़पेपर का यूज़ करूँगा। न्यूज़पेपर इसलिए क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होता है, आप कॉटन क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं या वायर मैश का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यूज़ करेंगे थोड़ी सी सैंड यूज़ करेंगे, जिससे ड्रेनेज बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें एक इंच का सॉइल का लेयर बनाना होगा। अब दोस्तों एक रॉक रख के देखते हैं, और हमारे पास थोड़ी सी क्रिएटिव रॉक है जो काफ़ी सुंदर लगती है किसी भी प्लांट के साथ। अब आप देखें किस तरह से इसका बेस अच्छे से फिट हो चुका है, मतलब हम प्लांट को यहाँ रख सकते हैं। तो चलिए प्लांट को रख के देखते हैं। और दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान रखें कि हमारी रूट्स इतनी लंबी होनी चाहिए कि वो रॉक के ऊपर रखने के बाद सॉइल में इजीली दब जाए, तभी प्लांट सर्वाइव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आप देखें हमारे पास एक लंबी सी रॉक है जो सबसे टॉप पोर्शन के ऊपर से जाएगी, और इस तरह से हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। और प्लांट हल्का सा हमारा टिल्टेड पोजीशन में आ रहा है, तो ये नहीं करना है हमें, हमें एकदम सीधा रखना है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट पोजीशन ढूंढेंगे। अगर हम रॉक को इस तरह से रखते हैं और प्लांट इस तरह से रहेगा तो प्लांट एकदम सीधा रहेगा। ओके, तो सबसे पहले अब हम प्लांट और रॉक को टाइट बांध देते हैं आपस में, और उसके लिए दोस्तों हम यूज़ करेंगे थ्रेड, जो कि होगी जूट की रस्सी। और जूट की रस्सी इसलिए होगी दोस्तों क्योंकि ये इजीली डिसॉल्व हो जाती है सॉइल के अंदर करीब एक दो महीनों के अंदर, या मैक्सिमम थ्री इयर्स के अंदर, मैक्सिमम थ्री मंथ में ये डिसॉल्व हो जाएगी और इस तरह से नज़र आने लग जाएगी जैसे सॉइल ही है। तो चलिए फटाफट से इसको टाई अप कर देते हैं हम। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कितना इजी वे में हमने हमारे प्लांट को लगा दिया है। अब दोस्तों आप ये क्वेश्चन उठाएंगे कि हमने वायर का यूज़ क्यों नहीं करा। सो फ्रेंड्स, वायर का यूज़ हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं बेस पर ये रॉक गई हुई है, रस्सी गई हुई है, ये डिकम्पोज हो जाएगी और अपने आप हट जाएगी, बट वायर को हमें निकालना पड़ेगा और वो थोड़ा सा ट्रिकी काम हो जाता है। तो चलिए अब इस थ्रेड को कट कर देते हैं और प्लांट में सॉइल डाल के इसको सेट कर देते हैं।
सबसे पहले इसको स्टेबल बना देते हैं हम थोड़ा सा। ओके फ्रेंड्स, हमें ये जो रूट्स दिख रही है इन्हें थोड़ा सा स्ट्रेट करना होगा और एडजस्ट करना होगा सॉइल के हिसाब से। आप देखें काफ़ी सारी रूट्स इसमें हैं और काफ़ी लंबी लंबी रूट्स है। आप देखें चारों तरफ से हम इन्हें सॉइल की तरफ डालेंगे। आप देखें काफ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है सारी रूट्स। अब सिर्फ सॉइल डालनी है हमें और मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊंगा कुछ और बातें। अब दोस्तों हमने सॉइल भर दी है तो अब हमें थोड़ी सी इसमें वाटर स्प्रे के साथ सॉइल गीली करनी होगी जिससे सॉइल एडजस्ट हो जाए। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या अभी हमें प्लांट को शेप देना है या नहीं देना है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने जस्ट इसकी रिपोर्टिंग करी है, वो भी एक चट्टान के ऊपर, रॉक के ऊपर, जो भी नज़र नहीं आ रही है, जो कुछ समय के बाद नज़र आ जाएगी, इस तरीके से नज़र आएगी दोस्तों। और दोस्तों ये कितना समय लेता है इस पूरे प्रोसेस को डेवलप होने में, उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाकर चेक कर सकते हैं। बट बात करें अगर इस प्लांट की, तो इस प्लांट को अब हम 6 से 7 महीने के बाद ही थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच के आसपास ऊपर लिफ्ट करेंगे और हो सकता है अगर रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी तो हम इसकी रॉक भी चेंज करेंगे, थोड़ी और बड़ी रॉक देंगे। अभी हम इसके रूट्स के डेवलपमेंट होने का ऐसे वक्त देंगे। तो दोस्तों क्या अब हमें अभी लिटरली हमें ट्रिमिंग करनी चाहिए प्लांट की या नहीं, तो फिलहाल के लिए अभी हम इसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। हमने सिर्फ रूट ओवर रॉक स्टाइल का फर्स्ट स्टेप करा है। अब 6 से 7 महीने के बाद इसका अपडेट मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको इस तरह के वर्क अच्छे लगते हैं तो आप हमारा चैनल द वन पेज उससे भी जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सारा क्रिएटिव वर्क होता है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा प्लांट को अच्छे से स्प्रे से निला देते हैं और चेक करते हैं इसका लास्ट फुटेज। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा और अगर हमारा वर्क अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इस तरह से अपने जेड प्लांट को ज़रूर ट्राई करें। और ये दोस्तों बेसिक लेवल है, स्टेप वन है, आप ज़रूर ट्राई करें, आपके पास भी बहुत अच्छा एक रूट ओवर रॉक जेड बोन सही हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं बहुत ही अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अगर आपके पास जेड प्लांट है और इस तरह से उसकी लीफ पतली सी है और इसके ऊपर रिंकल आ रहे हैं तो आपको करना क्या है, प्लांट को रेगुलर डेज पर वाटर देना है, मतलब इसकी सॉइल अच्छे से भिगा के रखनी है, तो आपके पास एक अच्छी सी हेल्दी सी मोटी लीफ आ जाएगी। आप देखें काफ़ी अच्छी और हेल्दी लीफ है। तो प्लांट को अब वाटर ड्राई ना होने दें। आप देखें ये एक टेराकोटा पॉट के अंदर था तो प्लांट के अंदर मॉइस्चर नहीं रहता है, पॉट के अंदर मॉइस्चर नहीं रहता है, इसलिए लीफ पतली और इस तरह सी हो जाती है। सो होप यू लाइक द वीडियो फ्रेंड्स, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।